हेलो सर, हाउ यू? हाय रुचि है आप? यस सर, परिवार, विच आई शुड से, या परिवार, स्पेल इट, परिवार परिवार. तो इसमें एग्जैक्टली क्या वॉर चल रहा है? ट्रेलर में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. मतलब फैमिली में जिस तरह से होता है ना, ये उसी तरह का कुछ है। और यहाँ पे एक ये काशी नाम अपने फैमिली को चाहते हैं कि वो साथ में रहें, बच्चे दूसरे शहरों में हैं, तो ये उसी के बीच में उसी कहानी है। ओके सर, तो मतलब आप उस कहानी के पैट्रियार्क हैं, लाइक बुजुर्ग हैं जिनकी प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है. हाँ, ऐसा कह सकते हैं जी। ओके सर, तो सर मैं आपको एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपकी विग भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा यंग और डैशिंग अवतार दिखाई दे रहा है. आपने ट्रिपलिंग में विग पहनी थी और अब आप परिवार में भी विग पहनकर आए, काफी ड्रामेटिक विग. ये किसका आइडिया था? जो हमारे डायरेक्टर हैं सागर बलारी, ये उनका आइडिया था। सर, आपको गेटअप्स में ज्यादा अच्छा लगता है या आपका खुद का नेचुरल कुछ हो? ऐसा कुछ स्पाइक्स देखने को तो कभी मिला नहीं, जो अभी है. जो फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है और उनका विजन होता है, उनकी स्टोरी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो डायरेक्टर जैसे चाहते हैं वैसा अपने आप को ढालूं उस स्थिति में। ओके सर, तो ये मतलब जो आपने अवतार रखा है, बड़े बाल, थोड़े बुजुर्ग हैं आप काफी कम उम्र के, तो आपका ये वाला लुक भी कभी देखने को मिलेगा जो अभी आप दिख रहे हैं विद स्पाइक्स? हाँ, टेक कॉन्वर्सेशन में मैं करता रहता हूँ ऐसे, टेक कॉन्वर्सेशन विद डैड जो आता है बीच बीच में, स्केच आते हैं तो उसमें लगभग जैसा मैं, तो उसके अंदर तो कुछ इस तरह के कंपल्शन नहीं होते हैं, तो मैं जैसा मेरा हेयर स्टाइल है या जो भी उस वक्त होता है वैसे मैं शूट कर लेता हूँ। ओके सर, तो सर आप अपना खुद का भी कुछ कॉमिक टाइमिंग उसमें डालते हैं, क्योंकि आपका अपना पर्सनल कॉमिक टाइमिंग भी काफी जोरदार है, या सब कुछ डायरेक्टर के हिसाब से ही होता है? ये मिक्स होता है रुचि, कि आप जाहिर सी बात है कि वो कॉमिक टाइमिंग नहीं होगी तो आप वो रोल को आप कर ही नहीं पाएंगे ठीक से। तो राइटिंग और डायरेक्टर और उस सब का एक मिशन होता है, एक टीम वर्क होता है। ओके, तो सर ऐसा कभी आपकी फैमिली में हुआ है कि कुछ वॉर हुआ हो और आपको कुछ निर्णय लेने पड़े हो और कुछ तमाशा हो गया हो और समझ नहीं आए कि क्या करें? कुछ फनी? अभी लकीली अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके सर, सर जैसे आपकी फैमिली आपके कॉमिक कैरेक्टर्स पे कैसे रिएक्ट करती है? आजकल तो कॉमेडी में ही ज्यादा छाए हुए हैं आप, कोई आपको कॉपी भी करता है? नहीं, वो एंजॉय करते हैं, उनको ठीक लगता है, और क्योंकि मैं तो हम लोग तो साथ रहते हैं तो उसमें इतना ज्यादा फिर अंतर नहीं समझ में आता है उस तरह से ना। आपकी फिल्में और आपके शो तो सब साथ में बैठ के देखते होंगे, तो कुछ तो रिस्पॉन्सेज होते होंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, ये क्यों है? वो क्रिटिकल होते हैं ज्यादातर कि ये ऐसा इसमें मजाक कम आ रहा है या और अच्छा हो सकता था, ये इस तरह की बातें होती हैं। ओके सर, मेरे लिए हाँ जी सर, आप इंस्टाग्राम पे वायरल मीम्स बहुत शेयर करते हैं, और सर अगर कहीं सबसे सारे मीम्स एक जगह देखने हो तो आपका इंस्टाग्राम पेज इज द बेस्ट प्लेस। तो सर आपने अभी सैफ अली खान को भी बधाइयों वाला मीम शेयर किया था, तो आपके खुद के पर्सनल फेवरेट मीम्स कौन से जो आप पे बनाए हुए हैं, जो जिन पे बस फेमस हो गए, आपके फैमिली ग्रुप्स में हिट हो गए? अभी तो एकदम से नहीं याद आ रहा मुझे। सैफ वाला तो बहुत ही मजेदार था, वो उसको बड़ा ओके सर, तो सर मतलब आपको मजा आता है जब ये मीम्स बनते हैं और उसमें कुछ डेरोगेटरी नहीं है, इट्स ऑल फन, राइट? मतलब कुछ भी ऐसा ना हो कि आप शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे हैं, तब तक ठीक है, मजे के लिए ठीक है। सर ये जो अभी मसाबा आई थी, उसमें एक बधाइयों का शूटिंग का सीन था, तो वो एग्जैक्टली बधाइयों के सेट पे शूट हुआ था या अलग से शूट हुआ था मसाबा के लिए? वो तो बाद में शूट हुआ था, मतलब हमारी फिल्म आ चुकी थी उसके बाद वो एक प्रोसेस, उसमें नाम नहीं लिया है बधाइयों का उस तरह से। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। मीना जी के जीवन में कुछ एक
एक अमेजिंग चीज घटती है और उनको एक इम्पोर्टेंट रोल मिला है तो वो डिपेक्ट करना था उनको, तो उस लिहाज से किया गया था, वो सेट बनाया था और वो पूरा सीन एग्जैक्टली फिर वैसे ही शूट किया था। जी 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 ओके सर। तो सर अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा था, हम सब घर पे थे, तो क्या अभी आप शूटिंग या किसी काम के सिलसिले में बाहर निकले हैं? बीच में दो तीन बार बाहर निकला था रुचि, दो तीन एड फिल्म्स में मैंने काम किया है, अभिनय किया है, तो उसके लिए बाहर निकला हूँ। तो कुछ शेयर करना चाहते हैं उसके बारे में कि कुछ मतलब जो हो रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ बेटर हो सकता है, कोई भी व्यवस्था या कुछ भी ऐसा? जैसे मैंने एक सैमसंग मोबाइल के लिए एक शूट किया था राधिका मदान के साथ, तो वो जो सिस्टम था पूरा, प्रिकॉशंस लिए हुए थे वो बहुत अच्छे से लिए हुए थे, बहुत मतलब कहना चाहिए कि अश्योरेंस मिलती है उससे कि आप, क्योंकि आप बिना मास्क के परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद एक टीवी कमर्शियल के लिए मैं निकला जिसमें मधु मेरी को एक्टर्स थी, मधु जो सिनेमा में हिंदी सिनेमा और साउथ की सिनेमा से हैं, जो तो वहां पर भी बहुत प्रिकॉशन लिए गए, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा अश्योर करती हैं कि भाई आप निकले तो फिर ऐसे एनवायरनमेंट में निकले। इनफैक्ट मधु जी ने तो बोला कि भाई मैं, मेरा कुछ एक प्रोजेक्ट होने वाला है, मैं उनको बोलूंगी कि यहाँ पर जो ये सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था जिन लोगों ने की है उन लोगों को हायर किया जाए, वो अपनी टीम को बताएंगे। सर फिर भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे सेट्स पे केसेस हो चुके हैं, फिर भी एक थोड़ा सा डर तो रहता होगा ना कि मतलब कुछ होना चाहे। हाँ वो डर रहता है और उसके लिए प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन उसमें ये कि जैसे मुझे बच्चन साहब बहुत मोटिवेट करते हैं, बच्चन साहब जिन्हें कोविड हो गया, कोविड से वो फाइट करके निकल के आ गए पूरा 15-20 दिन बाद और अभी वो शूट कर रहे हैं प्रॉपर, तो वो मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं कि भाई वो इतना हिम्मत दिखा रहे हैं। और वो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना प्रिकॉशन लिए कुछ काम करें, तो हम लोग भी जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं वो प्रिकॉशन के साथ कर रहे हैं। ओके सर। तो सर अभी परी वॉर के बाद कुछ और भी इंटरेस्टिंग आ रहा है जिसका वेट किया जाए? एक मैदान एक फिल्म है, हाँ जी, वो इस साल आएगी, जिसमें मेरा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है और बधाई हो में जो मेरे निर्देशक हैं अमित शर्मा वही डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को। तो सर उसमें तो कॉमेडी रोल नहीं होगा आपका, कुछ अलग होगा राइट? इस तरह से थोड़ा सा पीरियड ड्रामा जैसा है, पीरियड ड्रामा नहीं कहना चाहिए, मतलब 1950s और 60s की कहानी है और उसमें न्यूज़पेपर एडिटर का रोल है मैं, जिसका नाम है रॉय चौधरी, और वो थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट है, एंटेगनिस्ट का रोल, वो इंटरेस्टिंग निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो अच्छा लगेगा दर्शकों को। ओके सर, सर अच्छा लगा आपसे बात करके, और परी वॉर जरूर देखेंगे, उम्मीद है उसको देखते समय कोई वॉर नहीं होगा किसी फैमिली के बीच में, इट्स अ फैमिली ड्रामा, फन होगा, तो गुड लक सर, थैंक यू सो मच।